वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स। आज टॉपिक रहेगा इस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल सीरीज में हमने बात करी थी पहले लिमिटेशंस के बारे में, इंटरनल कंट्रोल के फीचर्स के बारे में, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल के मीनिंग के बारे में पढ़ा था हमने। ऑब्जेक्टिव्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करी जाती है इंटरनल कंट्रोल, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इंटरनल कंट्रोल अगर देखा जाए तो बेसिकली एक ट्रांजेक्शन्स है, एक इफ़ेक्टिव टूल है मैनेजमेंट का, जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली अचीव करना बताता है। इंटरनल कंट्रोल क्यों बेस्ट बताया, क्योंकि ये होल सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम बताता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और ये बिजनेस को कंडक्ट करता है। इंटरनल ऑडिट एक सबसे बड़ा इसका मेन टूल है जो कि इंटरनल कंट्रोल में करा जाता है। तो इंटरनल कंट्रोल सबसे पहले अगर देखा जाए तो बिजनेस को एफिशिएंट और ऑर्डरली सेट बनाता है। ऑर्डरली यानी कि एक सीक्वेंस बनाता है बिजनेस का, कि बिजनेस का एक स्टेप है, बिजनेस का एक प्रोसेस है, बिजनेस का एक मैनेजमेंट है, और उस मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए यहाँ पे इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक करा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट बताया गया इसमें, इंश्योर डेट ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस सही तरीके से चले, बिजनेस का मैनेजमेंट सही तरीके से ऑर्डरली चलता रहे, बिजनेस में डिसिप्लिन रहे मेंटेन, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एम्प्लॉय आगे बढ़े, ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंटरनल कंट्रोल कहेंगे, जो बिजनेस में प्रॉपरली एफिशिएंट वे और इफेक्टिव वे लेकर आता है, एक करेक्ट ऑर्डर लेकर आता है, एक अच्छा कंट्रोल लेकर आता है। सेकेंड पॉइंट है, टू इंश्योर डेट ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद मैनेजमेंट जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन। फिर सेकेंड पॉइंट ये होता रखा है कि एक जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मैनेजमेंट के स्पेसिफिक और जनरल ऑथराइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट का जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक अथॉरिटी उसको क्रिएट करने के लिए हो और जनरली अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए हो। तो इंटरनल ऑडिट का काम क्या है, इंटरनल ऑडिट का काम है सब व्यक्ति, उन सब पर्सन को ड्यूटीज देना, उन सब पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना जो एम्प्लॉयज़ है, जो मैनेजमेंट है, और वो अपनी वर्क के अंदर एफिशिएंसी को प्रमोट करे, अपने ऑपरेशंस के साथ, अपने बिजनेस वर्किंग के साथ एफिशिएंसी को प्रमोट करे, एक अच्छा रिजल्ट लेकर आए, इसलिए यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल करा जाता है। तो इंटरनल कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांजेक्शन सही तरीके से होते रहे, बिजनेस सही तरीके से हो सके होते रहे, और मैनेजमेंट भी एक किसी भी सिचुएशन हो, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, दोनों में अच्छा चलता रहे और एक ड्यूटी को परफॉर्म करने वाला हो। तो मैनेजमेंट चाहे जनरल टास्क हो चाहे स्पेसिफिक टास्क हो, दोनों टास्क को पूरा करते हुए नजर आए। थर्ड पॉइंट है, अकाउंटेबिलिटी लेकर आए असेट्स की। असेट्स यानी कि जो भी बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगाई, जो भी रिसोर्सेस लगाए, उसका एक रिजल्ट मिला है, ये भी इंटरनल कंट्रोल में एक ऑब्जेक्ट रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो भी उन्होंने असेट्स लगाई है, जो भी रिसोर्स लगाया, चाहे फाइनेंशियल या फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स, उसका एक रिजल्ट मिले, उसका एक फीडबैक मिले, उसका एक अकाउंटेबिलिटी मिले, आंसरेबिलिटी मिले उसकी। फोर्थ पॉइंट है, टू इंश्योर डेट अ पॉलिसी इज लेट डाउन और एडहर्ड टू, जो भी पॉलिसीज बनाई है वो रूल्स एंड रेगुलेशन है सही तरीके से चले, उसको फॉलो करते रहे। फिफ्थ पॉइंट है, टू इंश्योर अ कॉन्फिडेंस ऑफ रिलायबिलिटी टू द यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसकी विश्वसनीयता रिलायबिलिटी बनती रहे, जो भी वर्क कर रहे हैं वो एक अच्छा परफॉर्मेंस हो, जो भी बिजनेस के वर्किंग रूटीन है वो सही चलता रहे, जो भी इन्होंने स्टैंडर्ड बनाए, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसका सही उपयोग करे। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो भी वर्क कर रहे हैं, इंश्योर अ कॉन्फिडेंस ऑफ रिलायबिलिटी आंसरेबिलिटी और ट्रस्टेबिलिटी, जिसको हम कह सकते हैं विश्वसनीयता है, कि जो भी हम काम करें वो सही तरीके से है कि नहीं है, उस चीज़ को भी ये ध्यान रखें। सिक्स पॉइंट, टू प्रेजेंट और डिटेक्ट एरर इन फ्रंट।
फ्रॉड एंड एरर को पता लगाए, ये मेन इम्पोर्टेंट है। जो भी वर्क कर रहा है उस वर्क के अंदर, उस बिजनेस ऑपरेशन में फ्रॉड एंड एरर नाम की चीज़ नहीं हो। फ्रॉड एंड एरर पता लगाए, और फ्रॉड एंड एरर पता लगाने के बाद उसको डिटेक्ट करे, उसको सही करे, ये बहुत ज़रूरी है। सेवन, टू इंश्योर डेट ऑल ट्रांजेक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड विद द करेक्टेड अमाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो भी वर्किंग सिस्टम चल रहा है, जो भी परफॉर्मेंस है बिजनेस की, वो एक सही तरीके से करेक्ट अमाउंट में चलती रहे, एक ऑर्डरली अमाउंट में चलती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सेवन ऑब्जेक्टिव्स है, स्कोप है जो इंटरनल कंट्रोल को बताते हैं, जिसमें एक फर्स्ट में बताया कि ऑर्डरली बिजनेस एफिशिएंट तरीके से चलता रहे, सेकंड में हमने देखा ट्रांजेक्शन सही तरीके से चलते रहे, मैनेजमेंट के जो भी ऑथराइजेशन है, मैनेजमेंट के जो गोल्स है जनरल स्पेसिफिक दोनों अचीव होते रहे, अकाउंटेबिलिटी आती रहे, अनसेबिलिटी आते रहे, जो भी इन्होंने बिजनेस में असेट्स लगाए उसका एक रिजल्ट मिले, जो भी पॉलिसीज बनाई है उसको फॉलो करे, जो भी इनका इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर काम करे, उसके ऊपर रिलायबिलिटी रहे, उसका एक ऑथराइजेशन हो, एक अच्छा तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस चीज़ को पूरा करे, और कंडक्ट डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, एरर एंड फ्रॉड को सही करे, पता लगा करके कि कहाँ का भी बिजनेस में गलती हो रही है। इंटरनल चेक उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है इंटरनल कंट्रोल का, और जो भी वर्क करे, जो भी ट्रांजेक्शन करे, वो सही तरीके से करे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारे स्कोप है जो इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताते हैं कि इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव है, और यही इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि इंटरनल कंट्रोल का यूज़फुलनेस कहाँ पे हो रही है, इंटरनल कंट्रोल कहाँ कहाँ पे काम में आता है। इसी फंक्शंस को अडॉप्ट करके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने गोल को, अपने प्लान को अचीव करती है। तो बेसिकली सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने कि ट्रांजेक्शन सही तरीके से करना, असेट्स की अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसीज सही तरीके से फॉलो करना, रिलायबिलिटी रहे, और एक जो भी काम करे वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में चलता रहे, फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, ये सारे पॉइंट अगर देखा जाए तो इंटरनल कंट्रोल के फंक्शंस ही है। उन फंक्शंस के द्वारा अपने गोल को कंपनी अचीव करती है। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी इंटरनल कंट्रोल के बारे में, और इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्ट को हमने क्लियरली यहाँ पे समझा इस चीज़ को कि इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल के टेक्निक्स क्या होती है, जिसमें इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक और फ्लो चार्ट वगैरह के बारे में डिस्कस करा जाएगा। थैंक यू।